मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 22 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव और विकी सेन, दुर्ग महापौर धीरज बाकरीवाल उपस्थित थे। इसमें खेल मैदान, दम्भीकरण सहित अन्य विकास कार्य शामिल है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बने अभी 8 से 9 महीने में विकास कार्यों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत 22 करोड़ से ज्यादा के कार्यों की स्वीकृति यहां दी गई और निरंतर विकास के लिए कार्य भी किया जा रहा है। माँ बम्लेश्वरी मंदिर में प्रसाद में मिलावट की प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद उचित कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन था और हमारी सरकार को अभी मात्र 9 महीने हुए हैं और आज हमारे साथ हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम भी हैं श्री अरुण साव जी, जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय भी है। और आप सभी लोगों ने सुना है कि 8 महीने में 45 करोड़ की स्वीकृति सिर्फ दुर्ग शहर को मिला है विभिन्न कामों के लिए। और